हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कल के क्लास में हम लोग चार क्वेश्चन देखे थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, बेसिक क्वेश्चन देखे थे। उस तरह का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। डाटा अलग हो सकता है लेकिन कंसेप्ट वही बेस पे रहेगा। आप चाहे एसएससी का एग्ज़ाम लो, रेलवे का लो या स्टेट पीसीएस का ले लो, टाइम एंड वर्क से हर जगह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से हम 50-60 क्वेश्चन करवाएंगे और उसी में से आपको हर एक एग्ज़ाम में आएगा यदि टाइम एंड वर्क से पूछता है। तो मैथ अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप चैप्टर वाइज पढ़ लो। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ठीक है, मैथ प्रैक्टिस से ज़्यादा सीखता है आदमी, लेकिन आपको चैप्टर का नॉलेज भी तो होना चाहिए। तो चैप्टर का नॉलेज लेने के लिए आपको चैप्टर वाइज पढ़ने पड़ेंगे। जैसे टाइम एंड वर्क है तो सबसे पहले आपको टाइम एंड वर्क का थ्योरी पढ़ना होगा। अब उस थ्योरी को बेस करके किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन को आप बनाने का कोशिश करो। हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं, आप भी अपना प्रैक्टिस करो आरएस अग्रवाल के बुक से। और देखिए, हम जो बेस तैयार करवा रहे हैं, हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, उस आधार पे आप बना करके देखिए कि क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। बहुत आसानी से बनेगा और बहुत इजी वे में बनेगा। चलिए, आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5वां लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए बाबू, समझना। सबसे पहले देखो, कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को क्रमशः 4 तथा 5 दिनों में कर सकते हैं। तो पहला लाइन से ये पता चलता है बाबू, कहता है कि ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, उसी काम को बी जो है 5 दिन में कर सकता है। देखिए यहाँ समझना, क्रमशः से पहले यहाँ क्रमशः है ना, क्रमशः के बाद 4 है और 5 है, और यहाँ पे ए है और बी है। इसका मतलब है कि ए को कोई काम करने में कितना दिन लग रहा है, 4 दिन लग रहा है, तब बी को उसी काम करने में कितना दिन लगता है बाबू, 5 दिन लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी के डे का रेशियो हमको मालूम हो गया। ए यदि 4 दिन में करता है, ए यदि 4 दिन में काम को करता है, तो बी कितना दिन में करता है बाबू, 5 दिन में करता है। तो हमको ए और बी के डे का रेशियो पता चल गया, डे का रेशियो पता चल गया। अब देखिए, कहता है उन्होंने मिलकर उस काम को 270 रुपया में करने का ठेका लिया। कहने का मतलब कोई काम है बाबू, समझना क्वेश्चन को अच्छे से, कोई काम है जिसको करने का ठेका ए और बी मिलकर के लिया। ए और बी जो है किसी काम को करने का ठेका लिया, बोला कि हम कुल काम कर देंगे तो आप हमको 270 रुपया दीजिएगा। यानी पूरा काम हो जाने के बाद यह दोनों मिलके कितना रुपया लेगा बाबू, 270 रुपया लेगा, 270 रुपया लेगा। लेकिन अब ये 270 रुपया में ए और बी तो दोनों का काम करने का क्षमता अलग अलग है। अब ए उसी काम को 4 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को 5 दिन में करता है। यानी ए को 4 दिन लग रहा है, बी को उसी काम को करने में 5 दिन लग रहा है, मतलब दोनों का एफिशिएंसी अलग अलग है। तो हमने पहला दिन पहला थ्योरी जो बताया था उसको याद करिए। पहला दिन पहला थ्योरी बताया था, जो व्यक्ति जितना भाग काम करेगा, जो व्यक्ति जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा, उतना भाग ले लेगा। मतलब जो जितना हिस्सा काम करेगा ना, उतना ही हिस्सा वह कुल मजदूरी का लेगा। तो कुल मजदूरी तय हुआ बाबू 270 रुपया, कुल मजदूरी तय हुआ 270 रुपया। और दोनों का डे है 4:5। हमने उसी क्लास में बताया था कि डे का उल्टा यानी डे के रेशियो का रिवर्स रेशियो, डे के रेशियो का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो होता है, पार्ट का, ठीक है। तो हम दोनों का
पार्ट निकालेंगे, मतलब कौन कितना कितना हिस्सा करता है। तो बाबू डे का रेशियो है 4:5, यानी पार्ट का रेशियो हो जाएगा, सीधा इसका उल्टा कर देंगे 5:4, 4:5 का रिवर्स रेशियो क्या होगा, 5:4 होगा। अब देखो बाबू, अब समझना जरा, यहाँ पे समझना। अब इसका मतलब ये हुआ कि यह ए जो है 5 यूनिट काम करता है तो बी 4 यूनिट काम करता है, इसका मतलब यही हुआ। ए 5 यूनिट करता है तो बी 4 यूनिट करता है, तो बाबू बताइए टोटल कितना काम हुआ, टोटल कितना यूनिट काम हुआ, 5 यूनिट प्लस 4 यूनिट, यानी टोटल है 9 यूनिट। टोटल कितना है बाबू, टोटल है 9 यूनिट काम, टोटल 9 यूनिट काम करना है। और 9 यूनिट काम करने के लिए, 9 यूनिट काम करने के लिए कितना रुपया पे कर रहा है, 270 रुपया, 270 रुपया बाबू। तो बताइए एक यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 30 रुपया आएगा, 30 रुपया आएगा। अब सवाल में देखिए क्या पूछ रहा है, कहता है बी का जो भाग है ए के भाग से कितना अधिक है। देखिए बाबू बी का भाग है कितना, ये 4 करता है, बी का भाग है 4, बी का भाग है 4, समझना बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। कहता है बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है, बाबू ए का भाग है 5, ए का भाग मतलब पार्ट, पार्ट मतलब भाग होता है, तो ए का भाग है 5 और बी का भाग है 4, कितना ज्यादा है, 1 भाग ज्यादा है, 1 भाग ज्यादा काम किया है ए। इसका मतलब एक यूनिट का तो वैल्यू पूछ रहा था, एक यूनिट का वैल्यू 30 आ गया, आंसर आ गया, यही आंसर है आपके क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू, आज के क्लास का 2nd नंबर क्वेश्चन है, कहता है क्या समझिए, कहता है ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 तथा 30 दिनों में कर सकते हैं, उन्होंने मिलकर उस काम को 1,110 रुपया में करने का ठीका लिया, ठीक है, तो बी तथा सी के हिस्से का अंतर क्या होगा। एकदम पिछले वाले क्वेश्चन पे आधारित है, एकदम यह क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन पे आधारित है, वहाँ पे 2 आदमी की बात हो रही थी, यहाँ पे 3 आदमी की बात हो रही है। तो समझना बाबू, यहाँ पे सबसे पहले ए बी और सी के डे का रेशियो दिया हुआ है, किस चीज़ का रेशियो दिया हुआ है बाबू, डे का रेशियो दिया हुआ है, ए बी और सी के डे का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू, ए किसी काम को करता है 20 दिन में, ए करता है 20 दिन में, तो बी कितना दिन में करता है, 25 दिन में, 25 दिन में, तो सी करता है कितना दिन में बाबू, क्रमशः 30 दिन में, यानी ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो हम अब डे का रेशियो निकाल लेंगे बाबू, यही डे का रेशियो है, इसमें कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसको हम काट देंगे, तो 5 से सारा रेशियो कटने वाला है, 5 × 4=20, 5 × 5=25, 5 × 6=30, तो 4:5:6 आ गया, ये डे का रेशियो आया, ये क्या आया बाबू, डे का रेशियो आया। और हमने फर्स्ट क्लास में बताया था कि डे का उल्टा, यानी कि डे के रेशियो का रिवर्स रेशियो, डे के रेशियो का रिवर्स रेशियो आपका पार्ट का रेशियो होता है, किसका होता है बाबू, पार्ट का रेशियो मतलब हिस्सा का रेशियो, कि किसको किसको कितना हिस्सा पड़ेगा। तो देखो बाबू, 2 रेशियो रहता तब तो कुछ नहीं था, यदि रहता 4:5 तो इसका रिवर्स क्या हो जाता बाबू, 5:4, 5:4। और जब 3 रेशियो है, 3 रेशियो है, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी थोड़ा सा टेक्निक्स है बाबू, आप इसको आसानी से भी कर सकते हैं, नहीं तो दिक्कत भी हो सकता है। रिवर्स करने का मतलब क्या होता है, अब 4 है तो इसको आप 1/4 लिख लो, 5 है तो इसको आप 1/5 लिख लो, और 6 है तो इसको आप 1/6 ले लो, यही रिवर्स रेशियो हो गया। अब देखिए बाबू, अब डिनोमिनेटर जो है, यानी नीचे में, यानी हर जो है,
ऐसा तो रेशियो कैलकुलेशन करना मुश्किल होगा, नहीं तो इसको क्या करेंगे हम, ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे बाबू, 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। तब 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा बाबू, कितना होगा, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। 30 नहीं होगा बाबू, 60 होगा, ठीक है। 60 लेंगे ना तो कट जाएगा, देखिए 4 से कितना 15 चौका 60, 5 से कितना 12 5 60, 6 से कितना 10 6 60। अब देखिए इस सब में कोई कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है, यानी कि हमको पार्ट का रेशियो कितना आ गया, 15:12:10, यही आ गया ना पार्ट का रेशियो, पार्ट का रेशियो यही आ गया बाबू, फाइनली यही फाइनली आ गया। चूंकि डे के रेशियो का रिवर्स रेशियो जो है पार्ट का रेशियो होता है, तो पार्ट का रेशियो निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब आगे सवाल पहले पढ़ लीजिए। सवाल कहता है कि उन्होंने मिलकर के उस काम को करने का ठेका लिया, कितना में, 1,110 रुपया। अब देखो बाबू कितना कितना यूनिट काम कौन कौन कर रहा है ये तो पता चल गया कि भैया ए कर रहा है 15 यूनिट काम, बी कर रहा है 12 यूनिट काम और सी कर रहा है 10 यूनिट काम। अब तीनों के काम को जोड़ देंगे तो हमको टोटल काम निकलेगा कि नहीं, कितना यूनिट, 15, 2, 17, 10, 27, 10, 37, यानी 37 यूनिट काम है, 37 यूनिट काम। टोटल काम कितना आया, 37 यूनिट, और 37 यूनिट काम करने में कितना पैसा पे हो रहा है, 1,110 रुपया, यही काम करने का इतना रुपया मिल रहा है। अब यहाँ से आप पहले एक यूनिट का वैल्यू निकाल लो, एक यूनिट का वैल्यू होता है बाबू 37 से काटेंगे 3 बार में 111 आएगा, 0 है 0 बैठा दीजिए, यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू आ गया कि मतलब कोई भी आदमी एक यूनिट काम करेगा तो उसको 30 रुपया मिलेगा, एक यूनिट काम करेगा तो 30 रुपया मिलेगा। सवाल पूछ रहा है कि बी तथा सी के हिस्सा का अंतर कितना है, तो बाबू बी और सी को देखेंगे कितना कितना यूनिट काम किया है, दोनों के काम करने का अंतर कितना है, जितना काम करेगा उतने हिस्सा ना मिलेगा। तो देखो बाबू बी करता है 12 यूनिट काम, सी करता है 10 यूनिट काम, तो दोनों में कितने यूनिट का अंतर है बाबू, दोनों में 2 यूनिट का अंतर है, दोनों में 2 यूनिट का अंतर है बाबू। तो एक यूनिट का तो पता ही है ना, एक यूनिट में 30 रुपया मिलता है तो 2 यूनिट में कितना मिलेगा, 60 रुपया मिलेगा। यानी बी और सी का जो हिस्सा का अंतर होगा वो 60 रुपया होगा, वो होगा 60 रुपया, ठीक है बाबू। देखिए एक तुच्छा किस्म का क्वेश्चन है बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बिहार के जो स्टेट लेवल का, मतलब बिहार क्या किसी भी स्टेट में स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें देखने को मिल जाएंगे, या फिर रेलवे के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही कम सिचुएशन में, कभी कभी पीटी के एग्ज़ाम में, एसएससी के पीटी के एग्ज़ाम में इस टाइप का तुच्छा टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है भटकते हुए। तो देखिए कहता है 16 आदमियों को किसी इमारत का एक भाग बनाने में, समझना बाबू यहाँ 16 लिख दिया ना, कंफ्यूज मत होना, यही 16 है। 16 आदमियों को किसी इमारत का एक भाग बनाने में कितना दिन का समय लगता है बाबू, 24 दिन का समय लगता है। तो आदमी है 16 और दिन है 24 दिन, तो काम कितना करना है बाबू, काम का यूनिट कैसे निकलेगा। आपको हम पहला दिन बताए थे, पहला दिन याद करिए, जितना थ्योरी बताए हैं उससे ज़्यादा थ्योरी यूज नहीं होगा टाइम एंड वर्क में, भारी से भारी क्वेश्चन उतने में बन जाएगा। हमने पहला दिन बताया था क्वांटिटी ऑफ वर्क निकालने के लिए बोला था मैन दिया रहे, डे दिया रहे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैन गुना डे क्या होता है बाबू, क्वांटिटी ऑफ वर्क। अब इस सवाल में भी देखो 16 आदमी है,
इमारत का एक भाग बनाने में 24 दिन का समय लगता है। आदमी कितना है? 16। दिन कितना लग रहा है? 24 दिन। 16 आदमी को लग रहा है 24 दिन। 16 आदमी यानी मैन, डे कितना है? 24। दोनों को गुना कर दिए यानी इतना ही यूनिट काम करना है, इतना ही यूनिट काम करना है। अब कहता है उसी काम को, मतलब इसी काम को, उसी काम को मतलब काम तो हम निकाल ही लिए, इतना यूनिट है पूरा करने में। अब 12 आदमी रहता, पहले 16 आदमी था, अब कहता है 12 आदमी को कितना दिन लगेगा। तो जिसका पूछेगा उसे क्या करेंगे बाबू? डिवाइड कर देंगे। 12 आदमी से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ये 12 से कटेगा दो बार में, 12 दूना 24, ये हो गया 16 दूना 32। ये कितना दिन में बाबू? ये काम था, ये दोनों को गुना किए तो क्या आ गया? काम आ गया। अब देखिए ना, ये 16 नहीं समझ रहे हो तो देखो, आप यूनिट में लफड़ा मत करिएगा। देखिए 16 मैन है, कितना डे है बाबू? 24 डे। 16 आदमी को 24 डे लगता है, यानी दोनों को गुना कर दिए, क्वांटिटी ऑफ वर्क निकल गया। अब 12 आदमी मिलके ये इसी काम को करेगा, अब 12 आदमी इसी काम को करेगा, मैन कट गया, 12 से दो बार में 16 दूना 32 दिन हो गया। यानी 12 आदमी उसी काम को करेगा तो उसको 32 दिन का समय लगेगा। ठीक है, देखो अब अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल, आज का फोर्थ नंबर सवाल देखेंगे। कहता क्या है? कहता अनुज किसी काम का 1/3 भाग 6 दिन में करता है। यहां समझो, अनुज जो है काम का 1/3 भाग, यानी जो काम है उसका एक तिहाई भाग काम करने में यह 6 दिन लगता है। यानी पूरा काम करता है एक तिहाई 6 दिन में, तब पूरा काम 18 दिन में, 3 × 6 = 18, इसे भी समझ गए, माने एक तिहाई 6 दिन में, एक तिहाई काम करने में वह 6 दिन लेता है, मतलब पूरा काम करता था 6 × 18 दिन, यानी अनुज का डे कितना हो गया? 18। अंशु उसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में करता है, तो अनुज का कितना डे, यानी अंशु को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, अब कहता है तो दोनों मिल करके 3/5 भाग कितना दिन में करेगा? देखो इसमें है कुछ नहीं, इसको क्या करेंगे ऐसे समझो, पहले बाबू अनुज है, पहले क्या है? अनुज है। सीधा सोचो, अनुज को फिनिश बराबर इक्वल जो फार्मूला बताए थे याद करिए, फिनिश बराबर इक्वल जो फार्मूला बताए थे उसको याद कीजिए। हमने बताया था जैसे अनुज किसी काम का 1/3 भाग कितना दिन में खत्म करता है? 6 दिन में, तो 1/3 फिनिश करता है, फिनिश बराबर इक्वल होता है कितना? 6 के। तो बाबू यहां से हम 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 3 × 6 कितना हो जाएगा? 18। इसका मतलब है अनुज का डे आ गया 18, अनुज का डे आ गया 18। फिर देखिए अंशु है, अब है अंशु, अब क्या है बाबू? अंशु है। अंशु को उसी काम का कितना भाग करता है बाबू? 2/5 भाग। उसी काम का, सेम काम है, सेम काम का कितना भाग है? 2/5 भाग इसको करने में 6 दिन का समय लगता है। 2/5 भाग यानी 2/5 भाग करने में उसको 6 दिन का समय लगता है। फिनिश बराबर क्या होता है? इक्वल होता है। 2/5 भाग फिनिश करता है कितना दिन में? 6 दिन में। तो दोनों को हम बराबर कर देते हैं। अब यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 6। अब 1 का वैल्यू निकालने के लिए 5 को उधर ले जाके गुना कर देंगे तो 5 × 3 क्या हो गया? 15 दिन आ गया। माने अनुज जो है उस काम को 18 दिन में ख़त्म करेगा, अंशु जो है उसी काम को 15 दिन में ख़त्म करेगा। तो अनुज का डे निकल गया, अंशु का डे निकल गया, अंशु का डे निकल गया। अब सवाल कहता है दोनों मिलकर के 3/5 भाग कितना दिन में करेगा? तो बाबू सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि ये दोनों मिल करके, अनुज प्लस अंशु, ये दोनों मिल करके काम करेगा, उस काम को करेगा तो कितना दिन में करेगा? उसके लिए हमने बताया था कि जब 2 रहेगा तो कुछ नहीं करना, AB/A+B लगा दीजिए, AB पूरा काम, पूरा काम करने में फॉर्मूला बताए थे AB/A+B, AB
ए के जगह पे है कितना 18 है, बी के जगह पे कितना है बाबू 15 है, तो ए बी हो गया। अब बटा में ए प्लस बी 18 5 23 10 33 33, ये पूरा काम करने में समय लगेगा। इतना दिन जो लग रहा है ए बी बटा ए प्लस बी, यह पूरा काम करेगा तब इतना लगेगा। लेकिन आपको पूरा काम नहीं करना है, आपको 3/5 भाग करना है। तो बताए थे जितना भाग काम करना है वो निकालना रहे तो उसको डे से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो इसी में हम गुना करेंगे कितना से, जितना भाग आपको निकालना रहेगा। 3/5 भाग निकालना है तो 3/5 भाग से गुना कर दीजिए। अब देखिए ये 5 से कटेगा, 5 3 15, ये बाबू 3 से कट जाएगा 11 बार में, बचा कितना 18 3 54 / 11। तो इतना दिन आंसर हो गया 11 4 44 10/11 दिन, ठीक है 11 4 44 10 54, तो इतना दिन फाइनली लगेंगे, ठीक है। देखो समझिए अगला क्वेश्चन समझिए बाबू है, कहता है 20 व्यक्ति यानी 20 आदमी ए काम को 16 दिन में करता है। 20 व्यक्ति ए काम को 16 दिन में करता है यानी कर सकता है, मतलब करता है। तब 20 व्यक्ति को ए काम करने में कितना दिन लग रहा है बाबू, 16 दिन, ठीक है। 20 आदमी जब ए काम को करता है, ए कोई काम है, ए क्या है बाबू, ए है कोई काम, ए क्या है कोई काम है, और ए काम को करने में 20 आदमी को कितना दिन लग रहा है, 16 दिन। इसका मतलब है मैन गुना डे, 20 गुना 16 कर देंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे तो ए कितना काम है पता चल जाएगा। आगे सवाल पर ये कहता है जबकि बी को 12 दिन में करता है, जबकि बी काम को, बी क्या है काम है ना, बी क्या है काम है, कहता ए काम को करने में 20 व्यक्ति को, ए काम को करने में 20 व्यक्ति को 16 दिन लगता है, जबकि बी काम को करने में 12 दिन लगता है। बी काम को करने में कितना लगता है बाबू 20 आदमी को, 12 दिन, यानी 20 गुना 12 कर देंगे तो बी काम निकल जाएगा। पहला दिन बताए थे क्वांटिटी ऑफ वर्क इक्वल टू मैन गुना डे, यहाँ देखो बाबू मैन दिया हुआ है, डे दिया हुआ है, ए काम निकल गया। बी काम को निकालने के लिए भी मैन दिया हुआ है, सेम आदमी है, 20 आदमी है जो बी काम को भी करता है, तब 20 गुना 12 कर देंगे तब बी काम निकल जाएगा। अब क्या कहता, कहता ए 10 व्यक्ति को, तो 10 व्यक्ति जो है ए और बी दोनों काम, ए और बी दोनों काम को मिला करके, यानी अब दोनों काम को मिला दीजिए। अब यहीं पे देखिए ना, दोनों कमा को मिला दीजिए, दोनों कमा को मिलाने का मतलब क्या है, दोनों को जोड़ दीजिए। अब देखिए दोनों को जोड़ना है तो कुछ करना थोड़ी है, 20 गुना 16 प्लस 20 गुना 12। अब देखिए बाबू ये दोनों में 20 तो कॉमन ही है, 20 कॉमन है, अंदर में 16 प्लस 12 आ जाएगा, यानी कि 20 गुना 16 प्लस 12 क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, यानी 20 गुना 28 यही ए और बी दोनों काम जोड़ के, दोनों काम जोड़ करके कितना आया 20 गुना 28। अब इसी काम को कौन करेगा बाबू, 10 व्यक्ति करेगा इसी काम को, अब 10 व्यक्ति करेगा तो 10 व्यक्ति को करने में कितना टाइम लगेगा निकालने के लिए, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 × 20 यानी कि 28 × 56, इस काम को करने में कितने दिन का समय लगेगा बाबू, 56 दिन का, कितने दिन का समय लगेगा 56 दिन का। बहुत आसान क्वेश्चन था, आज हमने लगभग 5 6 7 8 9 यानी लगभग 5 क्वेश्चन बताए। देखिए बाबू आप इस चैनल से जुड़िए, जॉब पक्का हो जाएगा, कम से कम मैथ्स में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आप वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा ये परिवार बढ़ेगा आप लोगों को उतना ही फ़ायदा होगा। और हम हर एक चैप्टर को डीप में पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, एकदम टू दी पॉइंट फॉर एग्ज़ाम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।